नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद और आज आपके साथ शेयर करेंगे जो कटहल के फल से जो बीज निकलते हैं उनसे हम कटहल के पौधे किस प्रकार तैयार करें। तो ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान मेथड है। इसको आप अगर ट्राई करेंगे तो आप जो रिज़ल्ट है 100% पाएंगे। इसके लिए आपको एक से दो पेपर टॉवल चाहिए और पेपर टॉवल को फोल्ड कर लें और उसका इस प्रकार का एक बेड बना लें और जो हमने कटहल के जो बीज निकाले थे उनको आप एक से दो पानी में धो लें जिससे कि इसमें फंगस ना लगे। इसके बाद पेपर टॉवल में जो बीज हैं इस प्रकार आप रख दें और ये पेपर टॉवल को आप फोल्ड कर दें। फोल्ड करने के बाद इस पेपर टॉवल को आप हल्का हल्का गीला कर दें। इस पेपर टॉवल को आप ज़्यादा गीला ना करें, अगर इसको आप ज़्यादा गीला करेंगे तो जो हमारे कटहल के बीज हैं उसमें फंगस लगने के चांस होते हैं। पेपर टॉवल गीला करने के बाद एक हम जिपलॉक पॉली बैग लेंगे और उस पॉली बैग में ये पेपर टॉवल रख देंगे। इसके बाद जो जिपलॉक पॉली बैग है इसको हम एक एयरटाइट बॉक्स में रख देंगे और बॉक्स को हम ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर इसको जो सूर्य की रोशनी ना मिले, इसको आप इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें। तो चलिए इसका हम वेट करते हैं और देखते हैं जो बीज हैं हमारे कितने दिन में जर्मिनेट होते हैं। दोस्तों लगभग 7 दिन हो चुके हैं, तो चलिए इस पॉली बैग में से जो हमने बीज रखे थे कटहल के उनको देख लेते हैं कि उनका क्या रिजल्ट रहा है। और आप इसको बीच बीच में चेक करते जाएं, अगर आपको इसमें कुछ स्प्राउटिंग नज़र आने लगे तो इन बीजों को आप सेपरेट मिट्टी में लगा सकते हैं। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं ये जो बीज है इसकी स्प्राउटिंग शुरू हो चुकी है, अब इसका सही समय आ चुका है इनको हम मिट्टी में लगा दें। अगर इन बीजों को आप ज़्यादा दिन तक इस पेपर टॉवल में रखे रहेंगे तो जो बीज होते हैं धीरे धीरे जो गन्ना शुरू हो जाते हैं, तो इसको सही समय पर इनको मिट्टी में लगा दें। जैसा कि आप ये देख रहे हैं जो बीज में से वाइट वाइट पोर्शन निकला है, ये जो पौधे का जो रूट सिस्टम होता है सबसे पहले बीज में से निकलता है और हमारे जो 4 बीज रखे थे तो उसमें से जो हमारे 3 बीज जर्मिनेट हो चुके हैं। तो चलिए इनको हम मिट्टी में लगा देते हैं। इन बीजों को आप नॉर्मल मिट्टी में लगा सकते हैं। इसमें जो मैंने मिट्टी ली है वो हमारे पास 50% मिट्टी है और 50% इसमें हमने रेत मिलाई हुई है। तो चलिए एक डिस्पोजल ग्लास में हम 2-2 बीज लगा लेते हैं। बीज लगाने के बाद इनको आप पानी दे दें और इन डिस्पोजल ग्लास को आप इनडायरेक्ट सनलाइट में रखें, इनको आप डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। ये हमारे 25 दिन का रिजल्ट है और जैसा कि हमने एक डिस्पोजल ग्लास में 2-2 बीज लगाए थे और 2 बीज में से हमारे एक ही जो बीज हैं जर्मिनेट हुए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं है, अब इन जो प्लांट हैं इनको हम सेपरेट ज़मीन में या किसी बड़े कंटेनर में इनको हम शिफ्ट कर दें जिससे कि ये जी अपनी फर्दर ग्रोथ ले सकें। अगर आप कटहल का पौधा किसी बड़े कंटेनर में लगाना चाहते हैं तो उसके लिए जो पौधा है आप ग्राफ्टेड ही पौधा लें। ग्राफ्टेड किया हुआ पौधे से जो फल हैं हमको बहुत ही जल्दी मिलने लगते हैं और जो बीज से तैयार किए हैं पौधे अगर हम कंटेनर में लगाएंगे तो उसकी जो हाइट है बहुत लंबी हो जाती है और जो फल हैं बहुत लेट हमको मिलते हैं। अगर आपको सीखना हो कि कटहल के पौधे पर हम ग्राफ्टिंग किस प्रकार करें तो उस वीडियो का लिंक है मैं एंड स्क्रीन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। इन दोनों पौधों को हमने डिस्पोजल ग्लास से निकाल लिया है और अब इन पौधों को हम एक बड़ी पॉलीथीन में लगा देंगे और जो पॉलीथीन में जो हम मिट्टी यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास 60% नॉर्मल सॉइल रहेगी और 40% इसमें हमने बर्मी कंपोस्ट मिलाया हुआ है। जब ये पौधे लगभग 1 साल के हो जाएंगे तो इन पौधों पर हम ग्राफ्टिंग करेंगे। कटहल के जो पौधे हैं हम एयर लेयरिंग से भी तैयार कर सकते हैं। जो एयर लेयरिंग करने का इसका जो बेस्ट समय होता है वो हमारा जून से लेकर जुलाई में इसको हम एयर लेयरिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप कटहल में से जो बीज निकलते हैं उनसे आप कटहल के पौधे बहुत ही आसानी से अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।